स्वागत है आप सभी का नासिक के एपिसोड नंबर 2 में। पिछले एपिसोड में हम पंचवटी का दर्शन किए थे, जहाँ पे कालाराम मंदिर और सीता गुफा का दर्शन मैंने आप लोगों को कराया था। उसके बाद हम तपोवन गए थे, जहाँ पे हमें काफ़ी कुछ देखने मिला। उसके बाद रामकुंड, और रामकुंड में देखने के बाद हम चले गए कपालेश्वर महाराज मंदिर का दर्शन करने। वहाँ पे दर्शन करने के बाद चले जाते हैं त्र्यंबकेश्वर, जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फाइनली सफ़र हमारा स्टार्ट होता है, गाड़ी निकल चुकी है नासिक बस स्टैंड से। एपिसोड काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए सेकंड एपिसोड में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि आप नासिक से 28 किलोमीटर दूर किस तरीके से त्र्यंबकेश्वर जाकर दर्शन कर सकते हो। तो भाई स्वागत है आपका डे वन के एपिसोड 2 में। आज दूसरा दिन है हमारा, सॉरी दूसरा दिन एक ही, पहला ही है एपिसोड, दूसरा है। और हम लोग अंकल ने बस स्टैंड छोड़ा था और हम वहीं पे छूटे हुए अभी तक, क्योंकि हमें बस ही नहीं मिला अभी तक। देखते हैं कब तक बस आता है और कब तक हम त्र्यंबकेश्वर पहुंचते हैं। अंकल ने ये कर दिया, काट लिया हमारा, फिर भी मैं उनका पेड प्रमोशन करूंगा इस वीडियो में। तो अंकल ने हमको जहाँ पे छोड़ा वहाँ पे बस आ ही नहीं रहे। जब वहाँ से बस स्टैंड से हम यहाँ पे आएंगे तब हम देखेंगे बस आती है कि नहीं आती है। और अंकल बोलते हैं 15-15 मिनट में बस आ जाती है, चढ़ जाना। 15-15 मिनट में बहुत सारे बस है, लेकिन एक भी त्र्यंबकेश्वर का बस हमको दिखा नहीं। 15-15 मिनट में बस तो आ रही है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर का नहीं आ रहा। अब हम यहाँ से चलते हैं, कहाँ पे बस स्टैंड जाते हैं, 20-20 रुपये CBSE बोले, CBSE बोले पता नहीं, जाते हैं वहाँ पे बस लेते और वहाँ से जाते हैं, रिक्शा लेके जा रहे हैं, वहाँ से बस लेते हैं। अब मिल गया तो वहाँ से बस लेके चलते हैं त्र्यंबकेश्वर। चलिए चलेंगे, वो चलाएगा तो वो लेके जाएगा। हाँ चलते हैं। अंदर में बहुत सारे बसेस लगे हैं, अब बसेस वहाँ से लेने हैं हमको। तो भाई मैं गलती से आप लोगों को ना पुराना बस स्टैंड दिखा दिया था, लेकिन मैं आपको अब नया बस स्टैंड दिखा देता हूँ। अब चलते हैं बस पकड़ने। तो मैं आप लोगों को वो बस स्टैंड दिखाया था, बट ये बस स्टैंड बहुत बड़ा है और बस भले कुछ पुराने हैं बट बस स्टैंड बहुत बड़ा है। और ये देखो ये सब चीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए AJ के ब्लॉग्स। चलो बस पकड़ते हैं, बस देखते हैं। हमारे साथ प्रैंक पे प्रैंक हो रहा है ना प्रकाश भाई, जहाँ भी देख रहे हो वो बोल रहा है वो बस उधर क्रॉस करो, वो बोल रहा है उधर क्रॉस करो, वो बोल रहा है वो रोड क्रॉस करो। अब देखते हैं अब कितना क्रॉस करके हमको बस मिलता है। थोड़ी देर के बाद त्र्यंबकेश्वर के बाजू में खड़े रहेंगे। गलती हुआ भाई, हम लोगों ने रेलवे स्टेशन से फिर भी उतना ही पड़ता, 30 किलोमीटर यहाँ से पड़ रहा, 40 वहाँ से था, उतना ही पड़ जाता। चले देखते हैं, मिलेगा बस कभी ना कभी तो मिलेगा ही भाई। तब से घूमते घूमते हम लोग हर जगह क्रॉस कर चुके, लास्ट जहाँ पे बोला था वहाँ पहुँचने वाले, वहाँ बस नहीं मिला ना, तो फिर मैं प्रकाश भाई से झगड़ा कर लूँगा। कुछ नहीं दंगे हो जाएंगे सर, इधर दंगा हो जाएगा, हम दोनों मिलकर अंकित को पीटने वाले। मेरी क्या गलती, यही बोल रहा भाई, नहीं इधर क्या, नहीं अंकित भाई लाइक मेरे को क्यों घिसा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मिल जाना चाहिए वैसे बस के। तो फाइनली इतना घूमते घूमते हम लोग ले लिया बस, मिल गया हमको। अब देखते हैं बस कब तक खुलती है और कब तक हमको छोड़ता है। हाँ प्रकाश भाई 500। हाँ निकालना भूल गए। अरे 500 है, लाया हूँ, टेंशन नहीं भाई। ये बस और ये हम, पता नहीं कब तक खुलेगी कब तक पहुंचाएगी, देखते चलते चलते। तो बस हम लोग, बस हमारा हिलता हुआ बस स्टार्ट हो चुका है, अब हम निकलेंगे त्र्यंबकेश्वर के सफ़र पर। तो फाइनली सफ़र हमारा स्टार्ट होता हुआ, गाड़ी निकल चुकी है नासिक बस स्टैंड से।
तो बट फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड, और थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे, फिर निकलेंगे यहाँ से दर्शन करने के लिए ज्योतिर्लिंग के पास। तब तक बैठते आराम करते हैं। और प्रकाश भाई, देखा जाए तो फिर भी अपना मुंबई की इतना गर्मी इधर नहीं है। नहीं है भाई, क्योंकि धूप भी आ गया, फिर भी जिंदा बैठे हुए पता नहीं कैसे। तो अब हम लोग बात, धूप है इतना, फिर भी मौसम अभी तक ठीक ठाक है यहाँ, उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, उतना ज़्यादा गर्म नहीं है इधर। तो भाई, आप कहीं से भी बस लोगे ना, तो बस आपको यहीं पे त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड जो है यहाँ पे लाके उतार देगा यहाँ पे आपको, और यहाँ से आपको किसी तरीके से, वो कैसे जाना है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूँगा, लेकिन बस जो है वो आपको यहीं तक लेके आएगा। तो भाई, त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड से आप लोग को 1 किलोमीटर है मंदिर तक का, तो आप रिक्शा ले सकते हो या फिर पैदल चल के जा सकते हो, हमारी तरह हम पैदल ही जा रहे हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास स्थित है, जहां से गोदावरी नदी बहती है। इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1760 ईस्वी के बीच में करवाया था, जो कि एक पुराने मंदिर के स्थान पर बनवाया गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक धार्मिक केंद्र है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ये है मंदिर के आसपास की जगह, पूरा मार्केट देख सकते हो जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो, और ये चप्पल स्टैंड जहाँ पे आप देख रहे हो वहाँ पे जाके आप चप्पल बैग जो भी आपके पास सामान है वो वहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद आप लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं जहाँ से फ्री लाइन स्टार्ट है, यहाँ से फ्री लाइन में आप जाके दर्शन कर सकते हो। और देख सकते हो यहाँ पे आपको खाली दिख रहा है, लेकिन आगे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। चलिए चलते देखते आगे क्या क्या है। भाई, एक स्पेशल दर्शन है जो कि 200 रुपये, और एक नॉर्मल दर्शन है। हम लोग नॉर्मल दर्शन में आए, जो कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और भड़ा पड़ा है पूरा। चलिए देखते कब तक दर्शन हो पाता है। ये महाकाल मंदिर का जो शिवलिंग है उनका दर्शन कराया जा रहा है लाइव। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो भाई, नॉर्मली दर्शन करना इज़ इम्पॉसिबल, हम चल रहे हैं स्पेशल टिकट से दर्शन करेंगे। तो फाइनली वहाँ से निकल के हम लोग आ चुके हैं स्पेशल लाइन की तरफ, जिसका टिकट 200 रुपये था। गाड़ी के लिए किचन ले लूँगा। अरे नीचे उतरी जाओ, सॉरी। बाहर निकल गए तो एक चीज हो गया। दोस्तों का टिकट लेके फिर वही लग रहा है वहीं पे पहुंच गए क्या पर लगेगा तुम्हें। तो भाई, स्पेशल लाइन से हम लोग मंदिर कॉरिडोर में तो घुस चुके हैं, अब देखते हैं। स्पेशल लाइन में मंदिर कॉरिडोर में हम लोग घुस चुके हैं, अब देखते हैं दर्शन कब तक हो पाता है। Thank you.
दिन आपका नाम लगा दिया आपको बर्बाद कर दिया क्या लगा भगवान शिव गौतम ऋषि से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहते हैं। तब महर्षि ने उनसे गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा, लेकिन इस पर माँ गंगा ने यह शर्त रखी कि यदि भगवान शिव इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेगी। इस शर्त को मानते हुए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वह यहीं पर बस गए। लो बैटरी बोल दिया जहाँ से भगा रहे वहाँ से पूछ तो आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ अगर आप दर्शन के लिए आते हो तो आपको दर्शन जो है ऊपर कांच लगा होगा उसमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का अलाउ नहीं था अंदर, इसलिए मैंने किया नहीं, लेकिन आप लोग को अंदर जो कांच लगा होगा उसमें देखना होगा क्योंकि यहाँ का जो शिवलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ही नीचे है। तो आप अगर ऊपर जो कांच लगी है उसमें देखोगे तभी आपको दर्शन करने मिल पाएगा। वही तो मेरे को भी नहीं पता वो क्या दिख रहा है वो खाना खा ले।
भाई फाइनली हमारा दर्शन वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है और यहीं पे आप लोग को होटल वगैरह बहुत सारे मिलेंगे, लॉज वगैरह बहुत सारे मिलेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, वहाँ जाके और बातें बता दो। तो फाइनली दर्शन वगैरह सब हम लोग ने कर लिया है, सब कुछ काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया। भीड़ थोड़ा ज़्यादा था, वो पता नहीं क्यों था, लेकिन ज्योतिर्लिंग होने के हिसाब से भीड़ रहना ही चाहिए। इतना बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। और खाने पीने का सब सुविधा वहीं पर, होटल वोटल सब वहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, और कैसा लगा वीडियो वो सब बताते रहना। अब नेक्स्ट जगह कहाँ पे जाओ वो भी बताना मेरे को अभी ये वीडियो में। और खैर तो अब चलते हैं घर के लिए, ये सफ़र यहीं तक का था। और अब हम कहीं और जगह पे जाएंगे, कहाँ कहाँ जाना है, किसकी जगह की वीडियोज़ और आप देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता देना। और फिलहाल यहाँ का सफ़र यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में और एक और नए सफ़र में। चल रही है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलिए चलते हैं घर की ओर। वहाँ अच्छे दर्शन करने के बाद ना 1 किलोमीटर तक का सफ़र है, जो कि आपको पैदल ही कर लोगे तो बेटर रहेगा। और वहाँ से आप डायरेक्ट बस स्टैंड आओ, यहीं से आपको बस मिल जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से डायरेक्ट नासिक रोड का जो रेलवे स्टेशन है वहीं पर बस स्टैंड है, वहाँ का बस मिल जाए। चलते ढूंढते हैं, मिल जाए तो वहीं पे डायरेक्ट चलेंगे कि वो बढ़िया रहेगा। वहीं से हमको रिटर्न जाना है तो रिटर्न भी वहीं से चले जाएंगे। चलिए देखते हैं। आज पहले दिन की बारिश में नासिक का हालत, हम लोग को पहुंचना था 5 बजे, बज गए 7। वो अंकल को देखो, ऐसा लग रहा है बोट पे बैठे अभी तक बस का इंतजार कर रहे चाचा। भाई स्वागत है, फंस रहे हो बारिश के पहले दिन में नासिक में, नासिक के पूरे मजे लिए जा रहे बारिश के। तो आ गए हम लोग रेलवे स्टेशन। ए चल जाए रेलवे स्टेशन पर, रे पर कुछ लेते यार, चेंज वेंज करना पड़ेगा मेरे को। आओ इधर, चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ से लेते कुछ तो रूम विम और चेंज करते और फिर आज ही शाम को निकल जाते, रुकना महंगा पड़ जाएगा। एक दिन की बारिश ने पूरा सब कुछ दिखा दिया, सुबह तक अच्छा लग रहा था अब पता चल गया। चलो चलते हैं।